हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडे की कढ़ी। कैसे मैं बनाती हूँ दिखा रही हूँ आप लोग को, देखिए प्लीज़। करीब 2 से 3 लोगों के लिए बना रही हूँ मैं। ये मैं अंडा ले ले रही हूँ, अब देख सकते हैं 6 से 7 मैंने अंडा लिए हैं, 3 से 4 मैंने आलू लिया है। इन सबको मैं बॉईल कर लेती हूँ पहले। मैं इसको बॉईल कर चुकी हूँ, मैं निकाल चुकी हूँ, अब मैं इसे छीलने जा रही हूँ। ये अब देख सकते हैं मैंने इसे छील लिया है। इधर आलू मैंने कट कर लिया है छील के, बॉईल आलू को। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ करीब आधी चम्मच। मैं इस तरह से इसको मिला दूँगी। अब मैं इसमें मसाला क्या क्या ले रही हूँ, देखिए धनिया है, हल्दी है, गरम मसाला है, नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, और मैं इसमें थोड़ा मीट मसाला डालूँगी। इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा रखा, ऑयल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें अंडे को फ्राई कर रही हूँ। अंडा करीब 15 से 20 मिनट लग जाता है उबलने में। आप देख सकते हैं इस तरह से मैं इसको हल्का चला के, ये अंडा बॉयल हो चुका है, मैं इसे निकाल चुकी हूँ। अब मैं आलू डाल दी हूँ कढ़ाई में, हल्का सा आलू को भी फ्राई कर लेती हूँ। मैं प्याज ले रही हूँ, 2 प्याज है, छोटा सा टुकड़ा अदरक है, हरी मिर्च है, लहसुन है 5 से 6 कली। अब इन सबको मैं डाल देती हूँ उसमें, मिक्सी में पीस लेती हूँ। ये आप देख सकते हैं आलू भी हो गया है, मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये निकाल चुकी हूँ मैं। अब इसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 5 फ़ोरन। ये आप देख सकते हैं 5 फ़ोरन है। अब मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ करीब 3 तेज़पत्ता और लाल मिर्च सूखे वाले। ये हल्का सा मैं इसे भून लेती हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 5 फ़ोरन, हल्का सा ये हो जाए। अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ, पिसा हुआ जो है प्याज। इसको खूब अच्छे से मैं इसको ब्राउन कर लूँगी भून के। उसके मैं टमाटर ले चुकी हूँ, 2 टमाटर है, इसको मैं पीस ले रही हूँ। देख सकते हैं मैंने पीस लिया 2 टमाटर को। इधर प्याज भी हो गया है, देख सकते हैं हो गया प्याज। इधर मैं मसाला ले रही हूँ, देखिए कितना कितना मैं क्या डाल रही हूँ, 2 चम्मच धनिया पाउडर, छोटी चम्मच से 2 चम्मच धनिया है, लाल मिर्च है, जैसा आप तीखा खाते हैं वैसे डालिए, मैंने आधी चम्मच डाला है, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, ये मीट मसाला मैं डाल रही हूँ करीब 1 चम्मच है, गरम मसाला है 1/2 चम्मच, नमक है स्वाद अनुसार। इन सबको मैं कढ़ाई में अब डाल देती हूँ। अब देख सकते हैं मैं इसे कढ़ाई में डाल चुकी हूँ, हल्का सा इसको भून देती हूँ। ये मैंने सूखा मिर्च निकाल के रख लिया है, इसको बाद में डालूँगी। अब मैं टमाटर इसमें डाल चुकी हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। मैंने करीब 1/2 कप
पानी डाला है। अब खूब अच्छे से मैं मसाला को भून लूँगी धीमी आंच पे करीब 5 से 10 मिनट के लिए। देख सकते हैं मसाला भुंडा है, ये भुन चुका है मसाला। अब देख सकते हैं अब मैं इसमें डाल रही हूँ आलू, फिर मैं इसमें अंडा डालूँगी। मैं इसमें अंडा भी डाल दिया है, अब मैं पानी डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा पानी मैं नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे 10 से 15 मिनट ही खौलाना है इसको, क्योंकि आलू भी पका हुआ है अंडा भी बॉयल है तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं मुझे पकाना है। ये मैं सूखा मिर्चा अब डाल रही हूँ। खूब अच्छे से खोल जाए, यह देख सकते हैं रसा कितना गाढ़ा हो गया है। ये धीरे धीरे जितना ठंडा होगा उतना और ये गाढ़ा होता जाएगा रसा। अब देख सकते हो गया है, इसे मैं निकाल लेती हूँ। अब ये मैं सर्व कर चुकी हूँ, ऊपर से मैंने गार्निश के लिए धनिया पत्ता डाला है। अब देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को।